जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ फ्रिक्शन। तो रेट ऑफ फ्रिक्शन के बाद हम लोगों ने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा। अब हमारे पास जो है वो है क्या, रेट लॉ। अब देखिए, रेट लॉ की पहले डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 8 में भी है, 10th में भी है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेट लॉ क्या है। रेट लॉ कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी आपने पढ़ा हुआ है, एक्टिव मैसेस। ठीक है, एक्टिव मैसेस किसका, एक्टिव मैस हो तो एक रिएक्टेंट का, और अगर एक्टिव मैसेस की बात हो तो हम लोग कहते हैं, ये कब बात करते हैं हम लोग, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो। तो फिर जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो हम उनकी क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, लाइक दिस इक्वेशन ए प्लस डी गिव्स यू सी प्लस डी, ये साथ में जो स्मॉल ए है स्मॉल बी है, ये साथ में इसकी मोलर रेशियो है। ठीक है, अब देखें, अब इधर कितने रिएक्टेंट्स हैं, दो। तो यहाँ पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अब मैंने के लगा दिया पहले ही, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे ए रिएक्टेंट है, मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी रिएक्टेंट है, ये मैंने बी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्टिव मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंसंट्रेशन। तो ये एक बात सबने इम्पोर्टेंट तरीन याद रखी है, अगर हमारे पास होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उधर जो एक्टिव मैसेज हैं उसे हम लोग क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। मोल पर डीएम क्यूब होता है, तो एक्टिव मैसेज और कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। कब, जब हमारे पास क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। तो हमारे पास इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन सपोज किया जाता है। अब देखें, अब ये ए अकेला नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ऐसे ये बी लिखा हुआ, तो ये बी की क्या बन जाएगी, पावर। मसलन सिंपल सा एक है, आपने रेट लॉ भी पढ़ा हुआ है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के भी और बी के भी, और एज टू देयर पावर्स, जो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसकी क्या होंगी, पावर्स होंगी। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या लगाया, कॉन्स्टेंट, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। अब जो इससे आगे चीज़ है, जो हमारे टॉपिक है मेन, वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, जो रेट इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के लिए लिखी है मैंने, बस आपने करना क्या है, इसकी कंसंट्रेशन भी वन मोल लेनी है, इसकी कंसंट्रेशन भी वन मोल पर डीएम क्यूब लेनी है, ये वन रेज टू पावर एनीथिंग, ये वन ही हो गया, ये भी वन हो गया। तो जाहिर बात है जब वन होगा यहाँ पे, तो ये वाली हिस्सा होना ना होना बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन करते हुए लिखा क्या है, जरा देखें, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। कब, जब कंसंट्रेशन, चलो क्या ली जाए, यूनिटी, यूनिटी बोले तो वन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या ली जा रही है, यूनिटी ली जा रही है। अब यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन लाइक ए है, उसको भी क्या ले लिया मैंने, वन मोल पर डीएम क्यूब। बी है, उसको मैंने क्या ले लिया, वन मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे वन की पावर ए, वन की पावर बी, तो वन वन, ये सिंपल वैसे वन हो जाएगा, तो ये के का के आ गया। इस के को मैं क्या कह रहा हूँ, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। और आखिरी बात इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, जब गिवन कंडीशन हो, गिवन कंडीशन का मतलब अगर कंडीशन सेम है तो इसने क्या रहना है, कांस्टेंट। ये चेंज कब होता है, जब क्या चेंज होता है, टेम्परेचर। तो ये वाला किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास के सी हो, के बी हो, ये के ए हो, के बी हो, के डब्ल्यू हो, ये भी के है, तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये किस पे डिपेंड करते होते हैं, टेम्परेचर पे, ये बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, दैट्स इट, हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के साथ कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।